हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है मिस्टर बच्चन मिस्टर बच्चन फिल्म किस तरह से कैसे कि आपको ऑफिशियली तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन्स में देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी मैं जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं मिस्टर बच्चन जिसको टेगलाइन दिए हुए द ओनली होप पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ पे रिलीज करवाया हुआ है इस फिल्म को रीमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक उमर कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्ण कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगन नीलिया डिक्रो सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे चालीस करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी टी पर या करवाया वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रेटिंग हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो 90s एटीज़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक रेड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे आ, इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीज़ें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए हरीश शंकर ने किया हुआ था हरीश शंकर ने इस फिल्म को वैसे रिमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जिगर ठंडा की रिमेक थी जहाँ इससे पहले उन्होंने दुआड़ा जगन्नाथम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तावैया गब्बर सिंह मेरा पकाए शौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला को लेते हुए थेरी कार्य में एक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले वो सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी केसारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुचिपोटला भूषण कुमार कृष्ण कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भागे बोर से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक तो मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में मी जे मेयर ने बैकग्राउंड शोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज म्यूजिक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज फिल्म फेन स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदूकुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेन एंटागोनिस्ट एम पी मुतीम चुगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तनिकला भरानी गौतमी सुभलेखा सुधाकर केलम नरेन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर छमक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सिन्नू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी कोई वो एक फिल्म बना रहे एक अप्रॉक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये खायन बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म है जहाँ पर तेजा को लेते हुए का अच्छा खासा मास् एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद में 2023 हज़ार इसमें इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पे शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिक्की जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डरेक्टर के साथ उनका ये तीसरा कोलोब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम सेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो कैराइट टी सीरीज तेलगुवालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहिती ने लिखा हुआ था साकेत कौमंदुरी और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज किया गया था दस जुलाई दो को टी सीरीज के द्वारा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल रेपल पुल करके जो गाना था उसको पच्चीस जुलाई दो को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था जिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकी रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे दो अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालनचू तेलाची राई तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा 12 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे तो श्री रामचंद्रा ने और समीरा भारद्वाज रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 9 सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पे ऑडियो जुक बॉक्स के तौर पे वीडियो फॉर्मेट में 14 अगस्त 2024 को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है ए के बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाग्यज रीपोर से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पर जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्यम जगैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती है जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्न से एड किए हुए मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर पर तौर पर तेलगु नेटिविटी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया हुआ था उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई टी ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसे उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर दि की हुई है उनकी ऑन क्रेंस केमिस्ट्री जो है भाग्यश्री बोर्से के साथ थी वो काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ नज़र आता नरेशन में भाग्यश्री बोर से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सीन्स में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करते हुए नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे उन वहाँ पे वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूज़िक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में नोस्टॉलोजिक फील देने के लिए किया हुआ था जहाँ पर अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ट्रीट नज़र आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस के बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमेंस एक्शन कॉमेडी पंच फुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लैंड करते हुए नज़र आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टफुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ़ में उसकी कमी नज़र आती है भाग्यश्री बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ़ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पर उनके करेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया हुआ बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत थ ही नहीं तो उस किरदार को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो करेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नजर नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास इंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको हाफ में अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेस अननेसेसरी सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेरेट किया होता वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ ख़ास नज़र नहीं आते पंच डायलॉग से उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नजर आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्म गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नज़र आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में ये जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से करेट्रॉवाइब देते हुए नज़र आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें कैटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य से बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज़ सेकंड हाफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस सीश्यू और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फिल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज़ इतनी उम्मीदें मत रखिएगा एक टिपिकल मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से भी वैसा ही रिस्पॉन्स रहा जिसके चलते आई के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियालीस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का एक कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी भी प्रीमियर करवाया गया था फ़िल्म के जो ओ टी टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जनस के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वर्जन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे भी थोड़े समय के बाद ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आए या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाए किए हो अदरवाइज़ मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल माइंस या आर के डी स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल में बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तो एक बार बार फिर रिपीट कर देता हूँ

पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये एक दो हज़ार चौबीस की इंडियन तेलगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ टी टी रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को रिमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूं तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक कुमार कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्ण कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगन लिया डिक्रो सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे चालीस करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 150 करोड़ से ज़्यादा का क्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी टी पे प्रीमेर करवाया वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रे रे रेटिंग हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे ये फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइनटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक रेड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते हुए फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीजें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी एड डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगू वर्जन के लिए शंकर ने किया हुआ था शंकर ने इस फिल्म को वैसे रिमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जगत ठंडा की रीमेक थी इससे पहले उन्होंने दुआडा जगन्नाथम सुब्रमण्यम फोरसेल रम्या वस्तवैया गब्बर सिंह मेरा पकाए सौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला को लेते हुए थेरी का रीमेक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले और सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी केसारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुचिपोटला भूषण कुमार कृष्ण कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने किए हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड शोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज म्यूजिक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज़ फिल्म फिन और स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदू कुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेनें एम पी मुतिया का रोल प्ले किया हुआ है, भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा निकेला भरानी गौतमी सुभलेखा का सुधाकर का, आधुकेलाम नरेन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर चम्मक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सीनू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी कोई वो एक फिल्म बना रहे अप्रॉक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये खायन बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म है जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए का अच्छा खासा मास एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद में दो हजार तेईस में इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहां पर शूटिंग को कम्प्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डिरेक्टर के साथ उनका तीसरा कोलाब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम फोर सेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो के राइट टी सीरीज तेलुगु वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहिती ने लिखा हुआ था साकेत कौमंदुरी और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 10 जुलाई 2024 को टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगू वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल द पुल करके जो गाना था उसको 25 जुलाई 2024 को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था जिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकेय रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे 2 अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालनचू तेला ची राई तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा बारह अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे तो श्री रामचंद्रा ने और समीरा भारद्वाज प्रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पर ऑडियो जुकबॉक्स के तौर पर वीडियो फॉर्मेट में चौदह अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है ए के बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और आ, फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाके जीपोर से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पर जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्तयम जगैैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से किसी के बच्चन को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती है जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्नस एड किए हुए हैं मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया है वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर पर तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया हुआ था तो उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसे उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर दि की हुई है उनकी ऑनक्रीन केमिस्ट्री जो भाग्यश्री बोर्से के साथ थी वो काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ तो नज़र आता निरेशन में भाग्यश्री बोर्से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सीन्स में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करती हुई नजर आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे उन वहाँ पे वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूज़िक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म में नॉस्टैल्जिक फील देने के लिए किया हुआ था जहां पर अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन है उनके लिए काफी बढ़िया ट्रीट नजर आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमांस, एक्शन कॉमेडी पंचफुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफी बढ़िया तरीके से प्लान करते हुए नजर आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ़ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टफुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ़ में उसकी कमी नज़र आती है भाग्यश्री बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पे उनके कैरेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया हुआ बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत है ही नहीं तो उसके किरदार को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो कैरेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नजर नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में इसी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेज अननेसेसरी सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेडिट किया होता वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ खास नज़र नहीं आते पंच डायलॉग से उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्माए गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नजर आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में ये जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से करेक्ट्रो वाइब देते हुए नजर आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें कैटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य से बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज सेकंड हाफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस सीश्यू और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फ़िल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज इतनी उम्मीद है मत रखिएगा एक टिपिकल मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से भी वैसा ही रिस्पांस रहा जिसके चलते आई के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियालीस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें चार पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी टी भी प्रीमियर करवाया गया था फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वजन के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वजन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे भी थोड़े समय के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नजर आए, या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाई किए हो अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल माइस या आर के डी स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल में बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्स तो एक बार फिर रिपीट कर देता मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात यह कि वो नेटफ्लिक्स पर मिलती है या यूट्यूब पर वो आने वाले समय ही बताएगा अदरवाइज अभी फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो देख सकते हो मिस्टर बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे मिस्टर बच्चन जिसको टेगलाइन दिए हुए द ओनली होप पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये एक दो हज़ार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्ज़न में रिलीज किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ टी टी रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को रिमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक कुमार कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्ण कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगनी लिया सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे चालीस करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक सौ पचास करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रेटिंग रे रे हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे ये फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइन्टी एटीज़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक रेड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते हुए फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीज़ें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए शंकर ने किया हुआ था हरीश शंकर ने इस फिल्म को वैसे रिमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जिगर ठंडा की रिमेक थी जहाँ इससे पहले उन्होंने द्वाड़ा जगन्नादम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तवैया गब्बर सिंह मेरा है सौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला ले को लेते हुए थेरी का रिमेक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले वो सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी केसारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुचि भूषण कुमार कृष्णा कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री बोर्से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड शोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज़ म्यूजिक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज़ फिल्म फेन और स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदू कुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेनेंटागोनिस एम पी मुत्यम जगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा निकिला भरानी गौतमी सुभलेखा का सुधाकर का, राधुकेलाम नरेन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर छमक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सिन्नू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू जोनल गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी कि वो एक फिल्म बना रहे एक अप्रोक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये खायन बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए अच्छा खासा मास एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद में 2023 हज़ार तेईस हुई इसमें इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पे शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डिरेक्टर के साथ उनका तीसरा कोलाब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम फॉर सेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो के राइट टी सीरीज तेलुगु वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहित्य ने लिखा हुआ था साकेत कौमंदुरी और समीरा भारद्वाज ने उसको दस जुलाई दो हजार चौबीस को टी सीरीज के द्वारा तेलुगू वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल रेपल करके जो गाना था उसको पच्चीस जुलाई दो को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था जिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकेय रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे 2 अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालन चू तेलाची तो उस गाने को टी सीरीज़ तेलुगु के द्वारा 12 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे श्री रामचंद्रा ने और समीरा भारद्वाज रमिया बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पे ऑडियो जुकबॉक्स के तौर पे वीडियो फॉर्मेट में 14 अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है ए के बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और आ, फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाकेज्रीपोर से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पर जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्यम जगैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती है जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्नस एड किए हुए हैं मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया है वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर तौर पर तेलुगु ने के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया हुआ तो उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसी उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर की हुई है उनकी ओनक्रीन केमिस्ट्री जो भाग्यश्री बोर्से के साथ थी वो काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ नज़र आता है नेरेशन में भाग्यश्री बोर्से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देती हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सीन्स में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करती हुई नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे उन वहाँ पे वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूजिक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके इस फिल्म में नॉस्टैल्जिक फील देने के लिए किया हुआ था जहाँ पर अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ट्रीट नजर आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमांस, एक्शन कॉमेडी पंचफुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफी बढ़िया तरीके से प्लान करते हुए नजर आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टफुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ़ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ में उसकी कमी नज़र आती है भाग्यश्री बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ़ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पर उनके करेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया हुआ बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत थे ही नहीं तो उसके दर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो करेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नज़र नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में इसी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेस अननेसेसरी सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेरेट किया होता वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ खास नज़र नहीं आते पंच डायलॉग से उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्म गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को तो इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नजर आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में जो जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइब देते हुए नज़र आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें केटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य सिंह बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज सेकंड हाफ़ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस इश्यू और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ खास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फिल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज़ इतनी उम्मीद मत रखेगा एक टिपिकल एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से वैसा ही रिस्पांस रहा जिसके चलते आई के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियाली वोट हासिल किए हुए जिसमें चार पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी टी भी प्रीमियर करवाया गया था फिल्म के जो ओ टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जनस के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वर्जन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे बी थोड़े समय के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आए या तो कोई यूटूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाई किए हो अदरवाइज़ मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी है फिल्म या तो फिर यूट्यूब पर डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल या आर के डी स्टूडियो जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल में बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्ज़न में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात यह है कि वो नेटफ्लिक्स पर मिलती है या यूट्यूब पर वो आने वाले समय ही बताएगा अदरवाइज अभी फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो देख सकते हो मिस्टर बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे मिस्टर बच्चन जिसको टेग लाइन दिए हुए द ओनली होप पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये एक दो हज़ार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्ज़न में रिलीज किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ टी टी पर रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को रिमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक कुंबर कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्णा कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगन नीलिया डिक्रो सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे चालीस करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक सौ पचास करोड़ से ज़्यादा का क्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया या वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रेटिंग हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे ये फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइनटी एटीज़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक रेड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते हुए फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीज़ें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए हरीश शंकर ने किया हुआ था हरीश शंकर ने इस फिल्म को वैसे रीमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुए फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जिगर ठंडा की रीमेक थी इससे पहले उन्होंने दुआडा जगन्नादम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तवैया गब्बर सिंह मेरा है सौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला को लेते हुए थेरी कार्य में एक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले और सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी के सारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुचिपोटला भूषण कुमार कृष्णा कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री बोर्से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने कि हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड शो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज़ फिल्म फेन स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पर कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदुकुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेन इंटागोनिस एम पी मुतीम चुगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तनिकला भरानी गौतमी सुभलेखा सुधाकर केलम नरन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर छमक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सीनू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू जोनल गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी कि वो एक फिल्म बना रहे एक अप्रॉक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये खायन बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म है जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए का अच्छा खासा मास् एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउसमेंट आई थी उसके बाद में दो हज़ार तेईस इस में इसमें इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पर शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड सॉन्ग्स कम्पोज किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डरेक्टर के साथ उनका तीसरा कोलॉब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम सेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो के राइट टी सीरीज तेलगु वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहित्य ने लिखा हुआ था साकेत कौमंदूरी और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 10 जुलाई 2024 को टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगू वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल द पुल करके जो गाना था उसको 25 जुलाई 2024 को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था जिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकेय रम्या बेहरा ने उसको उसको गाया हुआ था तो इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे दो अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालनचू तेलाची राई तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा बारह अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे श्री रामचंद्रा ने और समीरा भारद्वाज प्रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पे ऑडियो जुक बॉक्स के तौर पे वीडियो फॉर्मेट में 14 अगस्त 2024 को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है ए के बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाकेज रीपोर से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पर जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्यम जगैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बना थी जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्न्स ऐड एड किए हुए मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर तौर पे, पे तेलुगू नेटिविटी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया था तो उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंस उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर दि की हुई है उनकी ओनक्रेंस केमिस्ट्री जो है भाग्यश्री से के साथ वो काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ तो नज़र आता नरेशन में भाग्यश्री बोस से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सीन्स में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करते हुए नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे वहाँ पर वो, वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूजिक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म में नोस्टॉलोजिक फिल्म देने के लिए किया हुआ था जहाँ पे अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ट्रीट नजर आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमेंस एक्शन कॉमेडी पंच फुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफी बढ़िया तरीके से प्लैंड करते हुए नजर आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ़ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ़ में उसकी कमी नज़र आती है भाग्यश्री बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पर उनके करेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया हुआ बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत है ही नहीं तो उसके दर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो करेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नजर नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्म में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेस अननेसेसरी सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेरेट किया होता वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ ख़ास नज़र नहीं आते पंच डायलॉग से उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्माए गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नजर आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में ये जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से करेट वाइब देते हुए नज़र आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें कैटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य सिंह बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज सेकंड हाफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस सीश्यू और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ खास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फ़िल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज इतनी उम्मीदें मत रखिएगा एक टिपिकल मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से वैसा ही रिस्पांस रहा जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियालीस वोट हासिल किए हुए जिसमें 4.1 की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी भी प्रीमियर करवाया गया था फ़िल्म के जो ओ टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जनस के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वर्जन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे भी थोड़े समय के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आए या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाई किए हो अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल या आर के डी स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल मैं बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात यह पे मिलती है या यूट्यूब ही बताएगा। अभी में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो देख सकते हो बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन से फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे बच्चन जिसको दिए हुए ओनली होप पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ पे रिलीज करवाया हुआ है इस फिल्म को रिमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक कुमार कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्णा कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगर डिक्रो सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे चालीस करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक सौ पचास करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया या वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रेटिंग -रे हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे ये फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइनटी एटीज़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक रेड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो इस में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते हुए फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीज़ें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए हरीश शंकर ने किया हुआ था हरीश शंकर ने इस फिल्म को वैसे रीमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जिगत ठंडा की रीमेक थी जहाँ इससे पहले उन्होंने दुआड़ा जगन्नादम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तावैया गब्बर सिंह मेरा पकाए शौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला को लेते हुए थेरी कार्य में एक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले वो सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी के सारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुचि भूषण कुमार कृष्णा कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री बोर्से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने कि हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड ग्राउंड सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज़ फिल्म फिन स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदू कुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेनेटागोनिस एम पी मुत्यम जगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तनिकला भरानी गौतमी सुबलेखा सुधाकर राधुकेलाम नरेन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर चम्बक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सीनू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन के अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी कि वो एक फिल्म बना रहे एक अप्रॉक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये खायन बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म है जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए कर का अच्छा खासा मास एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद में 2023 हज़ार तेईस इसमें इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पे शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डरेक्टर के साथ उनका तीसरा कोलाब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम फोर सेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो के राइट टी सीरीज तेलुगु वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहिती ने लिखा हुआ था साकेत कौमंदुरी और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 10 जुलाई 2024 को टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगू वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल द पुल करके जो गाना था उसको 25 जुलाई 2024 को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था जिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकेय रम्या बेहरा ने को गाया हुआ था तो इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे 2 अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालन चू तेला ची तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा बारह अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे श्री रामचंद्रा ने और समीरा भारद्वाज प्रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पे ऑडियो जुक के तौर पे वीडियो फॉर्मेट में 14 अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियलिटी सीरीज़ के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है एक एके बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़के के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाकेश्रीपोर से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पर जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्यम जगैैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत को का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्नस एड किए हुए मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर पर तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया हुआ था उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसे उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाँद के साथ उन्होंने डिलीवर दि की हुई है उनकी ऑनक्रीन केमिस्ट्री जो भाग्यश्री बोसे के साथ वो काफ़ी डिलाइटफुल नजर आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ तो नज़र आता नेरेशन में भाग्यश्री बोर्स से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सीन्स में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करते हुए नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे उन वहाँ वो, वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूजिक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में नोस्टॉलोजिक फील देने के लिए किया हुआ था जहाँ पर अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ट्रीट नजर आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमेंस एक्शन कॉमेडी पंचफुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लान करते हुए नज़र आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टफुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ़ में उसकी कमी नज़र आती है भागेश्वरी बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ़ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पे उनके कैरेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया है बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत थी नहीं तो उस कर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो कैरेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नजर नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेज सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेरेट किया होता वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ खास नज़र नहीं आते पंच डायलॉग थे उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नजर आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्माए गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नज़र आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में ये जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइब देते हुए नजर आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें कैटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य सिंह बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज सेकंड हाफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस सी और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फ़िल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज़ इतनी उम्मीदें मत रखिएगा एक टिपिकल एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से भी वैसा ही रिस्पांस रहा जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियालीस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी भी प्रीमियर करवाया गया था फ़िल्म के जो ओ टी टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जनस के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वजन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे भी थोड़े समय के बाद ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आए या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाए किए हो अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल माइंस या आर के डी स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल में बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात यह कि वो नेटफ्लिक्स पर मिलती है या यूट्यूब ही बताएगा अदरवाइज अभी फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो देख सकते हो मिस्टर बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है एक ये बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़के के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाकेजरीपोर से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पे जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्तयम जगैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती है जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्न्स एड किए हुए मिस्टर बच्चन जिसको टैगलाइन दिए हुए द ओनली होप पहले इसकी टैगलाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ टी पे रिलीज करवाया हुआ है इस फिल्म को रीमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक कुमर कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्णा कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगनी लेना डिक्रो सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे चालीस करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक सौ पचास करोड़ से ज़्यादा का क्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया या वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रेटिंग -रे हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे ये फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइनटी एटीज़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक रेड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते हुए फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीज़ें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए हरीश शंकर ने किया हुआ था शंकर ने इस फिल्म को वैसे रीमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुए फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जिगर ठंडा की रिमेक थी जहाँ इससे पहले उन्होंने द्वाडा जगन्नादम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तवैया गब्बर सिंह मेरा पकाए सौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला ले को लेते हुए थेरी का रिमेक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले और सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी के सारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जी विश्व प्रसाद विवेक कुचिपोटला भूषण कुमार कृष्णा कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री बोर्से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने कि हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड शोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज़ म्यूजिक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज फिल्म फेन स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदुकुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेन इंटागोनिस एम पी मुतीम चुगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तनिक्ला भरानी गौतमी सुभलेखा सुधाकर राधुकेलाम नरन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर छमक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सीनू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी वो एक फिल्म बना रहे एक अप्रॉक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये हायन बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म है जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए एक अच्छा खासा मास एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले इस तरह अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद में दो हज़ार तेईस को इसमें इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पर शूटिंग को कम्प्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ उनका एक तीसरा कोलाब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम फोरसेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो के राइट टी सीरीज तेलुगु वालों ने अच्छे प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहित्य ने लिखा हुआ था साकेत को और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 10 जुलाई 2024 को टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगू वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल द पुल करके जो गाना था उसको 25 जुलाई 2024 को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था जिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकेय रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर दो अगस्त दो को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पर इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था लाची राई तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा 12 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे श्री रामचंद्रा ने और समीरा भारद्वाज प्रमिया बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी, लें थी सोलह मिनट नौ सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पे ऑडियो जुक बॉक्स के तौर पे वीडियो फॉर्मेट में 14 अगस्त 2024 को ऑफिशियली टी सीरीज के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है एक ये बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उनकी जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाके रिपोर्ट से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पे जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्यम जगैैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत को का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती है जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्नस एड किए हुए मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर पर तौर पर तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया था तो उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसे उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर की हुई है उनकी ऑन ऑनक्रीन केमिस्ट्री जो है भाग्यश्री बोर्से के साथ थी वो काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ तो नज़र आता है नेरेशन में भाग्यश्री बोर्से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सीन्स में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करती हुई नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूजिक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म में नोस्टॉलोजिक फिल्म देने के लिए किया हुआ था जहाँ पे अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ट्रीट नज़र आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमेंस एक्शन कॉमेडी पंचफुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लान करते हुए नज़र आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ़ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ़ में उसकी कमी नज़र आती है भाग्यश्री बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नजर आते लेकिन सेकंड हाफ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पर उनके करेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया हुआ बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत है ही नहीं तो उसके दर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो करेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नजर नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेस अननेसेसरी सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेरेट किया होता वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ ख़ास नजर नहीं आते पंच डायलॉग से उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्माए गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नजर आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में ये जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से करेट वाइब देते हुए नज़र आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें कैटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य सिंह बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज़ सेकंड हाफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस सीश्यू और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ खास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फ़िल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज इतनी उम्मीदें मत रखिएगा एक टिपिकल मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से भी वैसा ही रिस्पांस रहा जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियालीस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी टी भी प्रीमियर करवाया गया था फ़िल्म के जो ओ टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जनस के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वर्जन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे भी थोड़े समय के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आए या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाई किए हो अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल या आर के डी स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल मैं बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात यह समय ही बताएगा। अभी में इस फिल्म को देखना है तो देख सकते हो बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन से फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे बच्चन जिसको दिए हुए ओनली होप पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्ज़न में रिलीज किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ पे रिलीज़ करवाया हुआ है इस फिल्म को रीमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक कुमर कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्णा कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगन देवगनी डिक्रो सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे चालीस करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ से ज्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज के चलते फिल्म को जब ओ टी टी परीमियर करवाया वहाँ पर वैसे फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइनटी एटीज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक रेड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो हजार चौबीस में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे आ, इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीजें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए शंकर ने किया हुआ था शंकर ने इस फिल्म को वैसे रिमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जगह ठंडा की रिमेक थी जहाँ इससे पहले उन्होंने दुआडा जगन्नाथम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तवैया गब्बर सिंह मेरा पकाए सौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला को लेते हुए थेरी का रिमेक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले वो सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी के सारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुचि भूषण कुमार कृष्णा कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री बोर्से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने किए हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड शोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज म्यूज़िक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज फिल्म फिन स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदुकुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेन एंटागोनिस्ट एम पी मुतिम जुगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तनिकला भरानी गौतमी सुभलेखा सुधाकर राधुकेलाम नरन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर छमक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सीनू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी वो एक फिल्म बना रहे एक एप्रोक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये हाई एन बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म है जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए एक अच्छा खासा मास एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउसमेंट आई थी उसके बाद में 2023 हज़ार इसमें इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पर शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज़ किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डरेक्टर के साथ उनका एक तीसरा कोलोब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम फोरसेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो कैराइट टी सीरीज वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहिती ने लिखा हुआ था साकेत कमुंदुरी और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 10 जुलाई 2024 को टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगू वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल द पुल करके जो गाना था उसको 25 जुलाई 2024 को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था झिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकी रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे दो अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालनचू तेला ची तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा बारह अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे श्री रामचंद्रा ने और समेरा भारद्वाज रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पे ऑडियो जुक बॉक्स के तौर पे वीडियो फॉर्मेट में 14 अगस्त 2024 को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है एक एके बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और आ, फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल रिपोर्ट से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पे जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्यम जगैैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत को का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती है जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्नस एड किए हुए मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर तौर पर तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया हुआ था तो उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसे उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर दि की हुई है उनकी ओनक्रेंस केमिस्ट्री जो है भाग्य श्री बोर्से के साथ थी वो काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ तो नज़र आता नेरेशन में भाग्यश्री बोर्स से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देती हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सीन्स में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करती हुई नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे उन वहाँ वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूजिक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में नोस्टॉलोजिक फील देने के लिए किया हुआ था जहाँ पर अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ट्रीट नज़र आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमेंस एक्शन कॉमेडी पंचफुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लैंड करते हुए नज़र आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टफुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ़ में उसकी कमी नज़र आती है भागेश्वरी बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ़ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पे उनके कैरेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया है बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत थी नहीं तो उस कर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो कैरेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नज़र नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में इसी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेस सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेरेट किया होता है वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ खास नजर नहीं आते पंच डायलॉग थे उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नजर आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्माए गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नज़र आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में ये जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइब देते हुए नजर आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें कैटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य सिंह बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज सेकंड हाफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस सी और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फ़िल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज इतनी उम्मीदें मत रखिएगा एक टिपिकल मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से भी वैसा ही रिस्पांस रहा जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियालीस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें 4.1 की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का एक कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी भी प्रीमियर करवाया गया था फ़िल्म के जो ओ टी टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जनस के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वर्जन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे भी थोड़े समय के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आए या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाए किए हो अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल माइंस या आर के डी स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल में बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात यह कि वो नेटफ्लिक्स पर मिलती है या यूट्यूब पर वो आने वाले समय ही बताएगा अदरवाइज अभी फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो देख सकते हो मिस्टर बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मिस्टर बच्चन जिसको टेगलाइन दिए हुए द ओनली होप पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये एक दो हजार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ टी टी पे रिलीज करवाया हुआ है इस फिल्म को रीमेक किया हुआ है दो हजार अट्ठारह की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक उम्र कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्णा कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगन नीलिया डिक्रो सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे 40 करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 150 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रेटिंग हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइनटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक रेड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो तो हज़ार में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते हुए फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीज़ें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए शंकर ने किया हुआ था शंकर ने इस फिल्म को वैसे रीमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जिगर ठंडा की रिमेक थी जहाँ इससे पहले उन्होंने दुआडा जगन्नाथम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तवैया गब्बर सिंह मेरा पकाए सौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला को लेते हुए थेरी का रिमेक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले और सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी के सारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुचिपोटला भूषण कुमार कृष्ण कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड शोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज फिल्म फेन और स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदूकुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेन इंटागोनिस एम पी मुतीम चुगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तनिक्ला भरानी गौतमी सुभलेखा सुधाकर राधुकेलाम नरेन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर छमक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सीनू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन की, की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी वो एक फिल्म बना रहे एक अप्रॉक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये खायन बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए एक अच्छा खासा मास एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद में दो हज़ार तेईस में इसमें इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पर शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज़ किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ उनका एक तीसरा कोलाब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम फोरसेल और गड्डलकोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था था इस फिल्म के ऑडियो के राइट्स टी सीरीज तेलगू वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहिती ने लिखा हुआ था साकेत कौमंदुरी और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 10 जुलाई 2024 को टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगू वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल द पुल करके जो गाना था उसको 25 जुलाई 2024 को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था जिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकेय रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे 2 अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालनचू तेला ची राय तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा 12 अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे श्री रामचंद्रा ने और समीरा भारद्वाज रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पर ऑडियो जुकबॉक्स के तौर पर वीडियो फॉर्मेट में चौदह अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है ए के बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और आ, फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उनकी जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाकेज रिपोर्ट से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पे जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्यम जगैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत को का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेट को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्नस एड किए हुए मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया है वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर तौर पर तेलुगु ने टी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया हुआ था तो उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसी उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर दि, की हुई है उनकी ऑन ऑनक्रेंस केमिस्ट्री जो है भाग्यश्री बोर्से के साथ थी वो काफ़ी डिलाइटफुल नजर आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ नज़र आता नरेशन में भाग्यश्री बोस से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर, उनके इमोशनल सेंस में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करती हुई नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे उन वहाँ पे वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते मेनली इसके अलावा मिकी जेमेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूज़िक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म में नॉस्टैल्जिक फील देने के लिए किया हुआ था जहां पर अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन है उनके लिए काफी बढ़िया ट्रीट नजर आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमांस, एक्शन कॉमेडी पंचफुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफी बढ़िया तरीके से प्लान करते हुए नजर आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टफुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ में उसकी कमी नज़र आती है भाग्यश्री बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ़ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पर उनके करेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत थी नहीं तो उसके दर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो करेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नज़र नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में इसी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेज अननेसेसरी सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेडिट किया होता वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ खास नज़र नहीं आते पंच डायलॉग से उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्माए गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नजर आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में ये जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से करेक्ट्रो वाइब देते हुए नजर आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें कैटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य से बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज सेकंड हाफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस सीश्यू और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फ़िल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज इतनी उम्मीदें मत रखिएगा एक टिपिकल मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से भी वैसा ही रिस्पांस रहा जिसके चलते आई के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियालीस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी भी प्रीमियर करवाया गया था फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वज़न के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वजन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे भी थोड़े समय के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नजर आए, या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाई किए हो अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल माइंस या आर के डी स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल में बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्सन तो एक बार फिर रिपीट कर देता मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात यह कि वो नेटफ्लिक्स पर मिलती है या यूट्यूब पर वो आने वाले समय ही बताएगा अदरवाइज अभी फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो देख सकते हो मिस्टर बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे मिस्टर बच्चन जिसको टेगलाइन दिए हुए द ओनली होप पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये दो हज़ार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ टी टी रिलीज करवाया हुआ है इस फिल्म को रिमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक कुमार कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्ण कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगनी लिया सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे चालीस करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक सौ पचास करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया या वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रेटिंग रे 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 हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे ये फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइन्टी एटीज़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक रेड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो हज़ार में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते हुए फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीज़ें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी एड डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए हरीश शंकर ने किया हुआ था हरीश शंकर ने इस फिल्म को वैसे रिमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जिगर ठंडा की रिमेक थी जहाँ इससे पहले उन्होंने द्वाड़ा जगन्नादम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तवैया गब्बर सिंह मेरा है सौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला को लेते हुए थेरी का रिमेक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले वो सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी केसारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है टी जी विश्वा प्रसाद विवेक कुचि भूषण कुमार कृष्णा कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री बोर्से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने की हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड शो सॉन्ग्स किए हुए टी सीरीज म्यूजिक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पर मीडिया फिक्टी टी सीजन स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदू आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेन एंटागोनिस्ट एम पी मुतीम चुगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा निकिला भरानी गौतमी सुभलेखा सुधाकर केलम नरेन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर छमक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सीनू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी कि वो एक फिल्म बना रहे अप्रॉक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये हाई एंड बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म है जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए एक अच्छा खासा मास एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउसमेंट आई थी उसके बाद में 2023 हज़ार तेईस में इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पर शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज़ किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डरेक्टर के साथ उनका तीसरा कोलाब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम फोर सेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था इस फिल्म के ऑडियो कैराइट टी सीरीज तेलगू वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहित्य ने लिखा हुआ था साकेत कौमंदुरी और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर रिलीज़ किया गया था दस जुलाई दो को टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल द पुल करके जो गाना था उसको पच्चीस जुलाई दो को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था जिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकेय रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे 2 अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालनचू तेलाची राई तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा 12 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे श्री रामचंद्रा ने और समीरा भारद्वाज रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पे ऑडियो जुकबॉक्स के तौर पे वीडियो फॉर्मेट में 14 अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है ए के बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और आ, फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते हैं उस, उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाकेजरीपोर से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पे जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्यम जगैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत को, का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेट को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती है जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्नस एड किए हुए हैं मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया है वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया हुआ मास एंटरटेनर के तौर पर तौर पर तेलगु नेटिविटी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया हुआ तो उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसी उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर की हुई है उनकी ऑन ऑनक्रीन केमिस्ट्री जो भाग्यश्री बोर्से के साथ थी वो काफ़ी डिलाइटफुल नजर आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ तो नज़र आता नरेशन में भाग्यश्री से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सीन्स में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करती हुई नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे उन वहाँ पे वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूजिक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके इस फिल्म में नॉस्टैल्जिक फील देने के लिए किया हुआ था जहाँ पर अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ट्रीट नजर आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमेंस एक्शन कॉमेडी पंचफुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफी बढ़िया तरीके से प्लान करते हुए नजर आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टफुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ़ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ में उसकी कमी नज़र आती है भागेश्वरी बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ़ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पर उनके करेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया हुआ बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत थे ही नहीं तो उसके दर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो करेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नज़र नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में इसी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेस अननेसेसरी सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेरेट किया होता है वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ खास नज़र नहीं आते पंच डायलॉग से उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्म गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को तो इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नजर आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में जो जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइब देते हुए नज़र आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें केटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य सिंह बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज सेकंड हाफ़ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस इश्यू और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ खास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फिल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज़ इतनी उम्मीद मत रखिएगा एक टिपिकल एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से वे ही रिस्पांस रहा जिसके चलते आई के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियाली वोट हासिल किए हुए जिसमें चार पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी टी भी प्रीमियर करवाया गया था फिल्म के जो ओ टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वर्जन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे भी थोड़े समय के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आए या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाई किए हो अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पर डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल या आर के डी स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल में बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो एक बार फिर रिपीट कर देते कि मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात यह कि वो नेटफ्लिक्स पर मिलती है या यूट्यूब पर वो आने वाले समय ही बताएगा अदरवाइज अभी फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो देख सकते हो मिस्टर बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे मिस्टर बच्चन जिसको टेगलाइन दिए हुए द ओनली होप पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था यह एक दो हज़ार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ टी पे रिलीज करवाया हुआ है इस फिल्म को रीमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक उमर कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्णा कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगन देवगनी डिक्रो सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे 40 करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 150 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी पे प्रीमियर करवाया या वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रेटिंग हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे ये फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइनटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो क्रिएट कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद 2024 में इस फिल्म का रिमेक अनाउंस किया गया था जहां पे जहां पे इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहां पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीजें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी आईडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए हरीश शंकर ने किया हुआ था शंकर ने इस फिल्म को वैसे रीमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुए फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जिगर ठंडा की रिमेक थी जहाँ इससे पहले उन्होंने दुआड़ा जगन्नाथम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तवैया गब्बर सिंह मेरा पकाए सौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला को लेते हुए थेरी का रिमेक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले और सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी के सारी ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जी विश्व प्रसाद विवेक कुचिपोटला भूषण कुमार कृष्णा कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री बोर्से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने कि हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड शोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज़ म्यूजिक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज फिल्म फेन स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदुकुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेन इंटागोनिस एम पी मुतीम चुगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तनिक्ला भरानी गौतमी सुभलेखा सुधाकर राधुकेलाम नरन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर छमक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सीनू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू जोनल गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी कि वो एक फिल्म बना रहे एक्स एप्रोक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये आय बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए एक अच्छा खासा मास एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद में दो हज़ार तेईस को इसमें इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पर शूटिंग को कम्प्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डरेक्टर के साथ उनका एक तीसरा कोलोब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम फोरसेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था था इस फिल्म के ऑडियो कैराइट टी सीरीज वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहित्य ने लिखा हुआ था साकेत कौमंदुरी और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 10 जुलाई 2024 को टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल द पुल करके जो गाना था उसको 25 जुलाई 2024 को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था झिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकेय रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे दो अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालनचू तेलाची राई तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा बारह अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे तो श्री रामचंद्रा ने और समीरा भारद्वाज रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट नौ सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पे ऑडियो जुक बुक्स के तौर पे वीडियो फॉर्मेट में 14 अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है ए के बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाकेज रिपोर्ट से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पे जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिसका नाम है मुत्यम जगैैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत को का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती है जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्नस एड किए हुए मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर पर तौर पर तेलगु नेटिविटी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया था तो उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसे उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर दि, दि, की हुई है उनकी ऑन ऑनक्रीन केमिस्ट्री जो है भाग्यश्री बोर्से के साथ थी वो काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ तो नज़र आता है नरेशन में भाग्यश्री बोर्से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सीन्स में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करते हुए नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे वहाँ पर वो, वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूजिक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म में नोस्टॉलोजिक फिल्म देने के लिए किया हुआ था जहाँ पे अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ट्रीट नज़र आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमेंस एक्शन कॉमेडी पंचफुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लान करते हुए नज़र आते वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ़ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ़ में उसकी कमी नज़र आती है भाग्यश्री बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पर उनके करेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया हुआ बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत है ही नहीं तो उसके दर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो करेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नजर नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेस अननेसेसरी सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेरेट किया होता वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ ख़ास नज़र नहीं आते पंच डायलॉग से उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्माए गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नजर आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में ये जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से करेट वाइब देते हुए नजर आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें कैटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य सिंह बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज़ सेकंड हाफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस सीश्यू और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ खास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फ़िल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज इतनी उम्मीदें मत रखेगा एक टिपिकल मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से वैसा ही रिस्पांस रहा जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियालीस सौ वोट हासिल किए हुए हैं जिसमें चार पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का एक कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी टी में भी प्रीमियर करवाया गया था फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वजन के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वर्जन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे बी थोड़े समय के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नजर आए या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाई किए हो अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल या आर के डी स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल मैं बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में में डेफिनेटली हिंदी डब देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात यह समय ही बताएगा। अभी में इस फिल्म को देखना है तो देख सकते हो बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन से फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे ओनली होप पहले इसकी टेग लाइन थी नाम तो सुना होगा लेकिन लेटर ऑन चेंज करते हुए मिस्टर बच्चन द ओनली होप रखा हुआ था ये एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके ओ टी रिलीज करवाया हुआ है इस फिल्म को रीमेक किया हुआ है 2018 की हिंदी फिल्म रेड से रेड फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दू तो राजकुमार गुप्ता ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया था रितेश शाह ने लिखा हुआ था अभिषेक पाठक कुमार कुमार मंगत पाठक भूषण कुमार गौरव नंदा कृष्णा कुमार दुआ ने प्रोड्यूस किया था अजय देवगन लेना डिक्रो सौरभ शुक्ला सानंद वर्मा लीड रोल में थे चालीस करोड़ का बजट डाला हुआ था जिसके सामने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और पॉजिटिव रिव्यूज़ के चलते इस फिल्म को जब ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया या वहाँ पर भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इसने रेटिंग हासिल की रिव्यू व्यूज़ हासिल किए वैसे फिल्म है वो सरदार इंदर सिंह के ऊपर जो नाइनटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो एड कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी उसके कुछ सालों के बाद दो इस में इस फिल्म का रीमेक अनाउंस किया गया था जहाँ पे जहाँ पे इस लीड रोल में रवि तेजा भाग्यश्री बोरसे को लेते हुए फिल्म को अनाउंस किया हो गया था जहाँ पे रवि तेजा की फिल्म थी इस वजह से इसमें मास एक्शन मसाला चीज़ें ऐड की गई थी वैसे इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले जो था वो तेलुगु वर्जन के लिए शंकर ने किया हुआ था शंकर ने इस फिल्म को वैसे रीमेक तो किया है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है फिल्म का एक पोर्शन रेड के ऊपर है वो सिमिलर है बाकी सभी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया हुआ है मास मसाला फिल्म बनाने के लिए तो टिपिकल एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाई हुई है इससे पहले भी वो लास्ट फिल्म जो बनाए हुए थे गड्डल कोंडा गणेश वरुण तेज अथरवा को लेते हुए वो फिल्म भी जिगर ठंडा की रिमेक थी जहाँ इससे पहले उन्होंने दुआडा जगन्नाथम सुब्रमण्यम सेल रम्या वस्तवैया गब्बर सिंह मेरा पकाए शौक जैसी फिल्में बनाई हुई थी अब उस्ताद भगत सिंह नाम की एक फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे पवन कल्याण श्री लीला ले को लेते हुए थेरी का रिमेक बनाया हुआ है इस फिल्म के ऊपर थोड़ी जानकारी दूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले वो सतीश विजय सिन्हा रमेश रेड्डी प्रवीण वर्मा दत्तात्रेय तन्वी के ने लिखा हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुचिपोटला भूषण कुमार कृष्ण कुमार अभिषेक पाठक कुमार मंगत पाठक ने फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा भाग्यश्री बोर् से जगपति बाबू देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी अयंका बोस ने किए हुए एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने कि हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट यानी कि दो घंटे चालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिकी जे मेयर ने बैकग्राउंड शोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए टी सीरीज म्यूजिक के पास इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वहीं पे पीपल मीडिया फैक्ट्री टी सीरीज फिल्म फेन और हमार स्टूडियो ने इस फिल्म को करीबन सत्तर करोड़ जितने हाई एंड बजट के साथ बनाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तो ये फिल्म एक अच्छे खासे प्रोडक्शन के साथ अच्छे खासे बजट के साथ रिलीज़ हो रही थी जहाँ पे कास्टिंग में रवि तेजा इनकम टैक्स ऑफिसर इंदुकुरी आनंद उर्फ मिस्टर बच्चन का रोल प्ले कर रहे थे जगपति बाबू ने मेन एंटागोनिस्ट एम पी मुतियम चुगैया का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री बोरसे ने जिक्की का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तनिकला भरानी गौतमी सुभलेखा सुधाकर राधु कैलाम नरेंन अजय रत्नम सत्या सचिन खेड़ेकर छमक चंद्रा अन्नपूर्णा प्रभा सीनू गौतम राजू इसके अलावा गुंडू सुदर्शन शिल्पा चक्रवर्ती सिद्धू गंडा देवी श्री प्रसाद और मायरा खान इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी कि वो एक फिल्म बना रहे अप्रॉक्स कुछ अस्सी करोड़ के आसपास का बजट होने वाला है और ये हाई एन बजट के साथ बनाई जाने वाली फिल्म है जहाँ पर रवि तेजा को लेते हुए एक अच्छा खासा मास एंटरटेनर फिल्म बनाने वाले तो इस तरह से अनाउसमेंट आई थी उसके बाद में 2023 हज़ार इसमें इस फिल्म की शूटिंग भी रखी गई थी जहाँ पर शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग पे काम किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मिकी जे मेयर के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज़ किया गया था जहाँ पर इस फिल्म के डरेक्टर के साथ उनका एक तीसरा कोलोब्रेशन था इससे पहले सुब्रमण्यम फोरसेल और गड्डल कोंडा गणेश जैसी फिल्मों में उन्होंने साथ ही में काम किया हुआ था था। इस फिल्म के ऑडियो के राइट टी सीरीज वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार ट्रैक रखे हुए थे पहला गाने का नाम था सितार जिसको साहित्य ने लिखा हुआ था साकेत कौमुंदुरी और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 10 जुलाई 2024 को टी सीरीज़ के द्वारा तेलुगू वर्जन में इस फिल्म का सेकंड सिंगल द पुल करके जो गाना था उसको 25 जुलाई 2024 को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया कसरला श्याम ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने और मांगली ने उसको गाया हुआ था जिक्की करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे हुए थे वाणा मल्ली ने और कार्तिकी रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे दो अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया गया फोर्थ सिंगल के तौर पे इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था वो था नालनचू तेलाची राई तो उस गाने को टी सीरीज तेलुगु के द्वारा 12 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया भास्कर बाटला ने लिरिक्स लिखे हुए थे श्री रामचंद्रा ने और समेरा भारद्वाज रम्या बेहरा ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 9 सेकंड इन गानों को फुल एल्बम के तौर पे ऑडियो जुक के तौर पे वीडियो फॉर्मेट में 14 अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियलिटी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आनंद करके किरदार दिखाया हुआ है एक एके बच्चन जो रवि तेजा रोल प्ले कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है और आ, फिर जो सस्पेंड होता रहता है काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से उन की जो ऑनेस्टी है उसकी वजह से उसके बाद में वो अपने होम टाउन में वापस रिटर्न आ जाते उस उस समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका रोल जिक्की प्ले जिक्की नाम है उसका और वो रोल भाग्यज रीपोर से प्ले कर रही है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में जब चीज़ें सही तरीके से उनके ट्रैक पर जाने लगती है तो अचानक से बच्चन के सामने एक केस आता है एक टास्क आता है जहाँ पे एक रेड के लिए कंडक्ट करने के लिए उनको अप्रोच किया जाता है और वो रेड कंडक्ट होने वाली होती है एक पावरफुल लोकल फिगर जिस का नाम है मुत्यम जगैया जिसका रोल जगपति बाबू प्ले कर रहे हैं तो अब उसके घर में रेड कंडक्ट करनी है तो अब इस रेड को कंडक्ट करते समय किस तरह से कैसे क्या बच्चन को मुसीबत को का सामना करना पड़ेगा किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट करेंगे इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी चीज़ें फिल्म की मेन कहानी बनाती है जिसके बीच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और ट्विस्ट और टर्न एड किए हुए हैं मिस्टर बच्चन वैसे जब अनाउंस किया गया था तभी बताया गया था कि इस फिल्म का आइडिया वो रेड फिल्म से रीमेक किया हुआ है हरीश शंकर ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओरिजिनल से काफ़ी अलग तरीके से दिखाया और मास एंटरटेनर के तौर तौर पर तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से सेट किया हुआ है रवि तेजा ने इस फिल्म में जो कस्टम मेड के तरीके से अपना एक अलग किरदार तैयार किया हुआ था तो उसमें काफ़ी साइन करते हुए नज़र आते जिस तरह से आई ऑफिसर में रोमांटिक लीड में उन्होंने काम किया हुआ था तो उस तरीके से वो इस फिल्म में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के जो गाने उसके थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंसी उसको देखते हुए इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें एनर्जी और चाम के साथ उन्होंने डिलीवर दि, दि, की हुई है उनकी ऑन ऑनक्रीन केमिस्ट्री जो है भाग्यश्री बोर्से के साथ थी वो काफ़ी डिलाइटफुल नज़र आती है और एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टच देता हुआ तो नज़र आता नरेशन में भाग्यश्री से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है उनका ग्लैमर उनके इमोशनल सेंस में काम काफ़ी बढ़िया था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी ऑडियंस को कैच करती हुई नज़र आएगी जगपति बाबू ने भी इस फिल्म में एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है उनको काफ़ी एक इंटेंस रोल दिया गया था जहाँ पे जिस तरह से रवि तेजा के साथ जितने भी जो इंटेंस फुल सीन थे उन वहाँ पे वो काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हुए नज़र आते, आते जहाँ पे बाकी के सभी कास्ट भी जितना भी जो काम मिला था उसमें काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म में कॉमेडी में आपको सत्या देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं मेनली इसके अलावा मिकी जे मेयर का साउंड ट्रैक वाइब्रेंट था पर्टिकुलरली जिस तरह से मासी सॉन्ग्स उन्होंने डिलीवर किए थे वो काफ़ी बढ़िया था रेट्रो म्यूज़िक का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में नोस्टालोजिक फील देने के लिए किया हुआ था जहाँ पर अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के जो फैन हैं उनके लिए काफ़ी ट्रीट नजर आएगा अब ये तो पॉजिटिव साइड रही फिल्म की कुछ एक माइनस की बात करें तो हरीश शंकर जो इस फिल्म में रोमांस, एक्शन कॉमेडी पंचफुल फुल डायलॉग और मास ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट काफी बढ़िया तरीके से प्लान करते हुए नज़र आते हैं वो खास करके फर्स्ट हाफ में लेकिन जब सेकंड हाफ में फिल्म एंट्री लेती है जब ये रेड के ऊपर आगे बढ़ने लगती है तब वो अपना जो फोकस है वो फिल्म से डायरेक्शन के तौर पे हटता हुआ नज़र आता है मेन प्लॉट था जिस तरह अनने से अननेसेसरी इसमें कॉमेडी सीन्स डाल के इंट्रोड्यूस किया जाता है चीज़ों को वो इतना इम्पेक्टफुल नज़र नहीं आता है हमें फ़िल्म के प्रति डाइल्यूट करता हुआ नज़र आता है इसके अलावा कुछ इंटेंसिटी वाले मास अपील वाले जो सीन्स थे वो फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया थे लेकिन सेकंड हाफ़ में उसकी कमी नज़र आती है भागेश्वरी बोरसे का रोल काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते लेकिन सेकंड हाफ़ में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है वहाँ पे उनके कैरेक्टर को सिर्फ गानों के लिए यूज़ किया है बाकी उतना कुछ खास ज़रूरत थी नहीं तो उस कर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जगपति बाबू का जो कैरेक्टर है इनिशियली जिस तरह से दिखाया गया था लेटर ऑन सेकंड हाफ में जिस तरह से चीज़ें ऑटोमेटिक जो बिल्ड की जाती है जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती है उतनी पेकफुल नज़र नहीं आती है फिल्म में जो क्लाइमेक्स था वो काफ़ी आउटडेटेड तरीके से सेट किया हुआ था मास एंटरटेनर जोनर फिल्मों में जो अभी तक आपने फिल्में देखी होगी ठीक उसी तरह का था कुछ मीनिंगफुल अप्रोच के साथ क्लाइमेक्स में फ़ाइट और चीज़ें इनहेंस करके दिखाते तो चीज़ें और बेहतर तरीके से अपील कर सकती थी एज अ डायरेक्टर के तौर पे हरीश शंकर ने इस फिल्म के साथ मास एलिमेंट कॉमेडी रोमांस इसको फर्स्ट हाफ में इसी तरह से बैलेंस किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म की पेस सीन्स जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने नेरेट किया होता है वो सभी चीज़ें इस फिल्म में कुछ ख़ास नजर नहीं आते पंच डायलॉग थे उतने भी कुछ खास थे नहीं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ब्यूटीफुल नजर आती है सॉन्ग्स अच्छी तरह से फिल्माए गए थे एडिटिंग में इस फिल्म को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था खास करके सेकंड हाफ में थोड़ी कटिंग चाहिए थी अननेसेसरी सीन्स हटाए जा सकते थे मिकी जे मेयर का जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से एक मिक्स एनर्जेटिक ट्रैक्स को इसमें यूज़ किया हुआ वो फिल्म के सीन्स को एलिवेट करता हुआ नज़र आता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी डिपार्टमेंट में ये जो एफर्ट्स डाले हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट में खास करके वो काफ़ी बढ़िया तरीके से करेक्ट्रो वाइब देते हुए नज़र आते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमेंडेबल काम किया हुआ है कुल मिला के मिस्टर बच्चन के पास कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली है जो कुछ मास ऑडियंस को डेफिनेटली वो सभी चीज़ें कैटर करेगी लेकिन ओवरऑल रवि तेजा जगपति बाबू के द्वारा जो डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की गई है भाग्य सिंह बोरसे का जो क्लेमर है वो फिल्म की कुछ मेजर हाइलाइट्स में से एक है अदरवाइज सेकंड हाफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी पेस सी और ये सभी चीज़ों के चलते उतनी कुछ ख़ास नज़र नहीं आती है और इस तरह से ये फ़िल्म अगर आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हो तो पसंद आएगी अदरवाइज इतनी उम्मीदें मत रखिएगा एक टिपिकल मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पे देखोगे थोड़ा बहुत देखने लायक है मिस्टर बच्चन फिल्म को थिएट्रिकली पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस की तरफ से वैसा ही रिस्पॉन्स रहा जिसके चलते आई के ऊपर इस फिल्म ने करीबन अभी तक छियालीस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें चार पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म आ, बस उतना ही कुछ सात आठ करोड़ का एक कलेक्शन कर पाई और उतनी कुछ खास रही नहीं उसके बाद में उस फिल्म को ओ टी टी भी प्रीमियर करवाया गया था फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स थे वो नेटफ्लिक्स वालों ने तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जनस के लिए खरीदे हुए थे हिंदी वर्जन के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है हो सकता है मे बी थोड़े समय के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आए या तो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कोई ओ टी प्लेटफॉर्म हो जो इसके हिंदी डब के वर्जन के राइट सेपरेटली पाए किए हो अदरवाइज़ मुझे ज़्यादातर लग रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये फिल्म या तो फिर यूट्यूब पर डायरेक्टली हिंदी डब में कोई गोल माइंस या आर स्टूडियोज जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवा दी जाएगी तो फिलहाल में बारह सेप्टेम्बर दो हज़ार चौबीस से नेटफ्लिक्स वालों ने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को यानी कि मिस्टर बच्चन फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में देख सकते हो नेटफ्लिक्स और टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मिस्टर बच्चन फिल्म आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदी डब में देखने को मिलेगी अब देखने वाली बात ये कि वो नेटफ्लिक्स पर मिलती है या यूट्यूब पर वो आने वाले समय ही बताएगा अदरवाइज अभी फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो देख सकते हो मिस्टर बच्चन नाम के साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय इस मिस्टर बच्चन फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दिए फिल्म से जुड़े सभी एसपेक्ट भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू